वो 1000 रुपया खाते में डाल के 30,000 का चेक फाड़ा, वो गलत नहीं था? करियर के लिए। वाह 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 वाह, वो तेरा करियर के लिए, और आज मेरे पास फोकट में इतना बड़ा माल आया तो वो सब गलत हो गया? देखा बा, मैंने हर गलत काम अपने करियर के लिए किया है और आज मुझे ब्रेक मिल गया है। कौन दे रहा है? अबे तू जानता है वो किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? शी इज द डॉटर ऑफ भरत ओबेरॉय। भरत ओबेरॉय, भरत ओबेरॉय, शी इज द डॉटर ऑफ भरत ओबेरॉय। हां तो क्या हुआ? शेरवानी क्या हुआ? मर गया? अबे वो मुझे ब्रेक दे रहा है। अच्छा अच्छा, अब मरेगा। देख मिसेस गुडिनो हमेशा कहती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें गॉड मिलता है, बस हम ही उसे पहचान नहीं पाते। अच्छा, कभी तू बारिश में अकेला खड़ा हुआ है भीगता हुआ? बहुत बार। और आके किसी ने तुझे छाता दिया है? दिया है ना। और तूने उसे पहचाना नहीं? अरे पहचाना, अपना बबन रे। वो बबन नहीं आबा, वो गॉड है। बबन गॉड है? हाँ। कभी तू यहाँ पे भूखा प्यासा लेटा है और तेरे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है? अरे कई बार लेटा हूँ यार। और आके किसी ने तुझे खाना दिया है? दिया है ना, वो अपनी दूध वाली ने। अबे वो दूध वाली नहीं है, वो भी गॉड है। गॉड है। इसी तरह कल रात को मुझे भी गॉड मिले थे और गॉड ने मुझे एक ब्रेक दिया है। अच्छा 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 अच्छा, गॉड ने तेरे को ब्रेक दिया? अरे यार मैं तो बोलना ही भूल गया राजू, कल रात मेरी मुलाकात भी गॉड से हुई थी। किससे? उसी से जिसने तेरे को ब्रेक दिया और मेरे को ये बैग दिया। अबे ये बैग मैं वापस दूंगा। नहीं देख, गॉड ने मेरे को दिया, उसे छीनने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तू कौन होता है? आबा ये गॉड ने तुझे बैग नहीं दिया, तूने गॉड से चोरी किया है और गॉड के घर चोरी करना पाप है। आबा ला ले बाबा। थैंक यू। और नहीं, और नहीं, ब्याज काट के। अब कैसे हो? अच्छा हूँ ब्याज काट के। ये कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां ब्याज काट के। मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर ब्याज काट के। इस वक्त तुम कहाँ पे हो? अस्पताल में ब्याज काट के। वेरी गुड। वो बस स्टॉप था या जूस की दुकान? बस स्टॉप था, ब्याज काट के। वेरी गुड डॉक्टर, लगता है इज ओके। अच्छा भूख लगी है? हाँ, कस के ब्याज काट के। क्या खाओगे? संतरे के छिलके, मौसमी के छिलके, गन्ने के छिलके, ब्याज काट के। ओह नो डॉक्टर, अब वापस शॉक दीजिए, ये ठीक नहीं हुआ। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये मेंटल वार्ड है, यहाँ से ऐसी आवाजें हमेशा आती रहती हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, अब तो जाग जाओ। अरे हाँ, तुम्हारा बैग मेरे दोस्त के पास रह गया था, इसमें सब कुछ वैसे के वैसे ही है, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये कम है, वो मेरे दोस्त ने खर्च कर दिए। लेकिन जैसे तुम होश में आओगी मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, लेकिन वो गोवर्धन जी है ना, तुम्हारे अंकल, उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारा डैडी ठीक ना हो जाए मैं रोमी बनकर रहूं। इसमें मेरा भी फायदा है, मैं हूं सिंगर। आओ। और जो महेश शेरवानी है ना, वो मुझे तुम्हारा हस्बैंड समझ के मेरा एक एल्बम निकाल रहा है। मित्र लाइफ बन गई। कभी किसी दिन मैं तुम्हें अपना गाना सुनाऊंगा। अरे कभी किसी दिन क्यों, मैं तुम्हें अभी सुनाता हूं। गाना पसंद आए तो ताली जरूर मारना, ओके? एंड नाउ आई एम गोना सिंग फॉर यू। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम ही रोमी हो? हाँ, मैं भी सोच रहा था, जब एक्सीडेंट हुआ तो पूजा कार के अंदर थी एंड यू वर आउटसाइड, हाउ कम? ओह मॉन, ये मोंटी है, मेरी ननद का बेटा, अमेरिका से आया है। सब। और ये रोमी है। आंटी आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता कि ये रोमी। कैन यू प्रूव इट? कोई सबूत? हाँ, मैं हूँ ना सबूत। मैं जानता हूँ ये रूमी है। ओ या? या? टेल टेल। पूजा बिटिया मुझे इससे पहले मिला चुकी है। अच्छा, कब? हाँ, क्या हुआ था कि जब मैं पूजा बिटिया को लैपटॉप कंप्यूटर दिलाने गया था, तब हम तीनों ने साथ मिलकर लंच किया था, है ना? व्हाटएवर। तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे इतना बिगाड़ा है, उसके रास्ता बने रहे, हमें कुछ नहीं बताया। नहीं, मैंने सोचा था कि मैं सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। अरे सर ये तो बताओ ना कि रिकॉर्डिंग कब करोगे आप? अरे लगे पड़े दामाद जी, लगे पड़े, सब हो जाएगा दामाद जी, फिक्र मत करो। सेठ जी कहीं एल्बम पे भी इनका नाम आप दामाद जी मत रख देना। चलिया मजाक करता है। अरे एल्बम पे तो हम बड़ा हरफों में लिखेगा रोमी। रोमी नहीं, राज। राज 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 राज। अरे पर तुम्हारा नाम तो रोमी है ना? रोमी है ना, लेकिन एल्बम पे राज आएगा। क्यों? हाँ, अरे भाई यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार क्यों रखा?
क्यों रखा? क्योंकि वो नाम उसके लिए लकी था। लकी था एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा अभी समझा यार, तो पहले बोलो ना राज तुम्हारे लिए लकी है ना? बहुत लकी। तो हम राज रख देगा यार, कौन सा बड़ा बात है। अरे पहले अब ये तो बताओ कि आप रिकॉर्डिंग कब से शुरू करोगे? अब देखो भाई, ये साल तो पूरा बुक है, लेकिन हम वादा करता हूँ कि अगले साल पहला एल्बम तुम्हारा होगा। एक साल? Impossible। मैं तेरे को बोला था राज, वो HM वाले बेचारे हाथ जोड़ के बोलते हैं 3 महीने में एल्बम रिलीज करेंगे। अरे पॉलीग्राम वाले क्या बोले? अरे वो लोग तो बोले थे 15 दिन में एल्बम बाहर निकाल देंगे। अबे चलो चलो। अरे अरे रुको रुको यार, तुम लोग तो छोटा छोटा बात में गर्मी खा जाते हो। अरे वाह, मून वॉकिंग भी करता है तू तो, स्टार है यार। बैठो बैठो। अब क्यों बैठे? अरे बैठना है। नहीं क्यों बैठे? अरे बैठना है। देखो भाई, 8 दिन के पहले तो रिकॉर्ड। 8 दिन? 8 दिन बहुत ज्यादा। अरे समझो यार, समझो यार। ओहो बात समझो यार, अभी अनु मलिक कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है मालूम है ना? अभी टोपी लगा के इंग्लैंड अमेरिका का दौरे पे गया है, उसको आने को भी तो टाइम लगेगा ना, है ना? और हाँ, और फिर अपना पूजा बेबी भी अस्पताल में रिकॉर्डिंग करेगा, अच्छा लगेगा क्या? अरे मैं जी उसी के लिए दे सब कर रहा हूँ। पूजा मेरा गाना सुनेगी और झट से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अरे गोर्धन जी, मुबारक हो। मुबारक मुबारक मुबारक। अब सारी टेंशन खत्म हो गई। खत्म हो गई। अब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भरत भाई को जाकर असलियत बता देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है। क्या? मैं भरत भाई को असलियत नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, पहले तुम्हारी मर्जी थी, अब मेरी मर्जी है। नहीं लगता है तेरी नियत में खोट आ गई है। आप जो भी समझो, मैं भरत भाई को असलियत नहीं बताऊंगा। हाँ तो मैं जाकर बता। दिस इज हॉस्पिटल, प्लीज क्वाइट। सॉरी सॉरी। तो मैं जाकर बता दू। क्वाइट। हॉस्पिटल प्लीज। सॉरी सॉरी। तो मैं जाकर बता देता हूँ उनको, तो फिर मैं भी बता दूंगा कि तुम्हारा प्लान क्या था। प्लान? कौन सा प्लान? किसका प्लान? भूल गए क्या? तुमने मुझसे कहा था कि इसके पास अरबों की दौलत है। पाप हार्ट अटैक से मर जाएगा, बेटी का घर तुम खोल दोगे। हाँ, और फिर आधी आधी दौलत हम लोग बांट लेंगे। क्या बात करता है, क्या बात करता है तू? मैंने नहीं ऐसा सोचा था कि तू इतना गिरा हुआ आदमी है। मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, तुम मुझे गिरने पे मजबूर कर रहे हो। अब बाहर जाइए, कपड़ा चेंज करने का है। ठीक है, हम लोग बाहर जाते हैं। नहीं ये नहीं, ये इसका हस्बैंड है, आप मेरी मदद कीजिए। नहीं 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 नहीं, आप जाइए। मेरी बात सुनिए आप प्लीज। आप जाइए। मेरी बात तो सुनिए नर्स। जरा आप चादर खींचे प्लीज। नहीं देखा, वाइफ का कपड़ा बदली करने को बोला, आग बंद कर लिया और मिस्टेक में मेरा ही कपड़ा खींच लिया। व्हाट नॉनसेंस। राजू राजू तू कमाल आदमी है। राजू यार तू उतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रहा था, और आप जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छे निकले। अच्छा गोर्धन जी, ये जो महेश शेरवानी है ना? हाँ महेश शेरवानी, मैं जानता हूँ उनको। क्या हुआ? वो मुझे भरत भाई का दामाद समझता है। ये कितनी उंगलियाँ हैं? 5 उंगलियाँ ब्याज काट के। मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर ब्याज काट के। वो कौन है? डॉक्टर ब्याज काट के। वेरी गुड। भूख लगी है? बहुत कस के ब्याज काट के। क्या खाओगे? दाल चावल कुछ भी खिला दो ब्याज काट के। वेरी गुड डॉक्टर, लगता है ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, बस स्टॉप पे जूस की दुकान क्यों खोली थी? एक कमीने ने अपनी दुकान बोल के बेची थी ब्याज काट के। कितने में खरीदी थी? 2 लाख में खरीदी थी ब्याज काट के। किससे खरीदी थी हा? बोलो किससे खरीदी थी? इस कमीने से खरीदी ब्याज काट के। इस कमीने से खरीदी थी ब्याज काट के। डॉक्टर ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसे शॉक दो। एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए ना, उसके बाद मैं खुद ही बता दूंगा कि मैं रोमी नहीं हूँ। एक बात कहूं, काश अगर तू असली रोमी होता ऊपर वाले का क्या जाता। हेलो गुड मॉर्निंग, हॉस्पिटल में आ रहे हो जा रहे हो? फोन फोन मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तुम आप मुझे हेल्प करना पड़ेगा। गोवर्धन भैया। हाँ जी। ये आप ही से बात कर रहे हैं? ओह आई एम सॉरी जज्जी बहन जी, मुझे पता ही नहीं चला कि ये फोन पे बात कर रहे हैं या मुझसे मुखातिब है। आपको एक न्यूज देनी थी, जानवी का फोन आया था। अच्छा मेरी बेटी का फोन आया? क्या बोली? कल मॉर्निंग की फ्लाइट से वो इंडिया आ रही है। मिस्टर पॉल,
मैंने अमेरिका से एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन मंगवाया है। जानवी कैरिंग विद हर? ऑफ कोर्स शी इज कैरिंग विद डॉक्टर। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। सारे के सारे खरीद लो। गोवर्धन जी, आपकी तो बेटी आ रही है, आपको खुश होना चाहिए। नहीं, जानवी और पूजा दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाती। वो रोमी के बारे में भी जरूर जानती हो। जानवी और पूजा दोनों सगी बहनों की तरह है। घर में भी कभी किसी ने इन दोनों में फर्क नहीं समझा। हाँ, दोनों साथ साथ खेल के बड़े हुए। अगर पूजा के लिए कोई चीज आती है तो जानवी के लिए भी वही चीज आती है। Ah.